हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज मैं पिछली सभी क्लासों के, जितनी मैंने क्लास करवाई हैं आपको, उसकी सभी प्रश्नों की मैराथन लेकर आया हूं। जिस बच्चे ने नहीं किए वो आज प्रॉपर तरीके से कर लेगा। और मैंने ऐड किए अपनी तरफ से क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज की क्लास में आपको 75+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कम से कम समय के अंतर्गत आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैंने सभी के सभी पर्सन लास्ट ईयर के सभी जो क्वेश्चन, जो सी टेट के या यूपी टेट के या फिर एस टेट के जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी को एनालिसिस किया है और उन पर आधारित मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। ठीक है, मैंने जहां से उन एग्जामिनर ने आपके आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, उन टॉपिकों से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। ठीक है, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन उठा सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बात और क्लियर करूं, कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनके कंसेप्ट को क्लियर करता चलूंगा, लेकिन जो प्रीवियस, क्योंकि पिछली क्लास के क्वेश्चन उनको मैं ऑलरेडी एनालिसिस कर चुका हूँ। ठीक है, आज जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनमें थोड़ा एनालिसिस करके कंसेप्ट क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक और अच्छे से समझना। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन आज का, पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का जो उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। एवं सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है कौन? पृथ्वी, सूर्य की। और पृथ्वी की यह गति कहलाती है, क्या कहलाएगी? है ब्रह्मंडीय गति कहलाएगी, सौर गति या परिक्रमण गति या वार्षिक गति या घूर्णन गति या दैनिक गति। आप सभी को मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है, एनालिसिस करा हुआ है, कंसेप्ट इतना बढ़िया क्लियर करवा रखा है मेरे भाइयों, प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो। इसमें मैं बता दूं थोड़ा सा, पृथ्वी का उपग्रह अपना क्या है? जैसे मून है, वो चंद्रमा, वो किसका चक्कर लगाता है? चंद्रमा जो पृथ्वी का। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है मेरे भाई 365 दिन में। उसी चीज को क्या कहेंगे? वार्षिक, वार्षिक गति, परिक्रमण गति। इंपोर्टेंट है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। घूर्णन गति, दैनिक गति क्या होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। इस दैनिक गति और घूर्णन गति का मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। आपको बताओगी उस 24 घंटे में घूमने में दैनिक गति कह लो, घूर्णन गति कह लो, दिन और रात होते हैं। ठीक है, मौसम में परिवर्तन कहलाना, वार्षिक गति, परिक्रमण गति के कारण मौसम में परिवर्तन होते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये आपको पता होना चाहिए, सभी चीज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विधवा पुनर्विवाह। इसके अंतर्गत ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के और सिविक्स के क्वेश्चन है प्रॉपर तरीके से। 75+ क्वेश्चन आपके सामने है। तो विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून कब पारित किया? 1875, 1826, 1856, 1829। सभी चीजें मैं बता चुका हूँ, 1856 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सी। इसके बारे में प्रॉपर तरीके से मैंने एनालिसिस पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अमित सर जी के टेलीग्राम पर। आप इस पूरे क्लास के, आज की मैराथन को प्राप्त कर सकते हो विद इसके एनालिसिस, जो पीछे मैंने कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो विधवा पुनर्विवाह दिन 1856 में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय। ब्रह्म मैरिज एक्ट जो 1872 में नॉर्थ, उस समय क्या थे आपको पता होनी चाहिए, नॉर्थ वाइसराय थे उस समय। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देहली वाल किसका एक प्रकार है? अब देहली वाल क्या है? इनमें से कर है, मंदिर है, सिक्का है, राजवंश है। तो आपको पता होगी प्रॉपर, सी इज द राइट आंसर, सिक्का है। मैं बता चुका हूं आपको, तोमर वंश के समय में सिक्कों को देहली वाल कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिख भी रखा है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सुलह एक कुल, एक मिनट रुके, हाँ आगे होगा थोड़ा सा, हाँ ठीक है ठीक है, चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। सुलह एक कुल, क्या सुलह एक कुल से क्या अभिप्राय है? ये धर्म है, न्याय है, संस्कृत है या फिर सार्वभौमिक शांति है? यह एक धर्म है, किसने चलाया था? अकबर ने, आपको पता होनी चाहिए। दीन ए इलाही किसने चलाया था? इन कमेंट मुझे बता दो। ठीक है, मैं सभी चीजों को बढ़िया तरीके से समझाता हूँ अपने भाइयों को। क्वेश्चन, गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या सिकंदगुप्त? तो आपको पता होना चाहिए सिकंदगुप्त यहाँ पर गलत हो जाता है आंसर, बहुत से बच्चे समुद्रगुप्त लिखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम इज द राइट आंसर हो जाता है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मैंने क्लियर कर रखे हैं, एनालिसिस मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको इनको। ठीक है, सारे कंसेप्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जो टॉपिक होते हैं उनको सभी को डिस्कस कर चुका हूं मैं आज एक मैराथन के रूप में, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको खुद से ही डिस्कस कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, जेएल बेयर्ड ने, कोपरनिकस ने, केपलर ने? तो सी राइट आंसर है। ठीक है, कोपरनिकस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? शुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह निहारिका? तो आपको सभी को पता होगा शुद्र ग्रह बिल्कुल है, धूमकेतु ये भी है, ग्रह भी है, लेकिन निहारिका ये एक धुआं होता है, धुंध होती है, तो निहारिका इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से पुराणों का संकलन किसने किया?
पुराणों का संकलन करने वाले कौन है? वाल्मीकि, गौतम, व्यास, कालिदास। बिल्कुल राइट आंसर है, व्यास जी ने पुराणों का संकलन किया था। व्यास जी ने पुराणों का संकलन किया था और मैंने लिख रखा है महाभारत का इन्होंने लिखी थी। वाल्मीकि जी ने संस्कृत रामायण की रचना की थी। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। कलंदर किसको कहा जाता है? हुमायूं को, बाबर को, अकबर को, शाहजहां को। सिंपल आंसर है बाबर को कहा जाता है। मैंने सभी चीजें तथ्य आपको क्लियर करवा रखे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। सांख्य या सामख्या दर्शन किसने दिया था? जैमिनि जी ने, गौतम ने, पतंजलि ने, कपिल ने। सिंपल है, मैंने आपको पता हो तो संख्या किसकी कम थी? कपिल की। इस प्रकार से याद कर लो, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। पतंजलि का योग है, गौतम ये मैंने लिखा भी हुआ है यहां पर, गौतमा का न्याय था, ठीक है। सामख्य कपिल का, योग का पतंजलि, और जैमिनि जी का पूर्व मीमांसा, ये सभी मैंने प्रॉपर तरीके से दे रखे हैं मेरे भाई। और मैंने पहले भी डिस्कस कर सके, इनको आप प्रोवाइड कर दूंगा मैं पीडीएफ थोड़ी देर में, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुराणों के संदर्भ में असत्य है? इंपोर्टेंट है, इसे संस्कृत में लिखा गया था, बिल्कुल। यह केवल ब्राह्मणों और पुरुषों द्वारा सुनाया गया था, यह गलत हो जाता है यहाँ पर। इसमें देवी देवता कहानी, बिल्कुल, यह बताता है कि देवी और देवताओं की पूजा कैसे की जाती थी, ये भी राइट आंसर। लेकिन यह केवल ब्राह्मण और पुरुष, ये गलत है। लेकिन जो वेद थे उनको केवल ये पढ़ते थे, लेकिन पुराणों को और शूद्र सब पढ़ते थे या गाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है, जो कि एक असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने सबसे पहले आईटी नीति की शुरुआत की, मतलब लागू की अपने राज्य के अंतर्गत? पश्चिम बंगाल है, वो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है? कर्नाटक। बी इज द राइट आंसर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी जी ने अहमदाबाद में किस मिल के, मतलब मिल के कामगारों जो हड़ताल की थी, इसको पहली भुखमरी हड़ताल की जाती है या हंगरी मूवमेंट कहा जाता है गांधी जी का, आपको पता होना चाहिए। या पूछ सकता है कि हंगरी मूवमेंट जो हुआ था सबसे पहले कहां पर हुआ था, किस कारण हुआ था, ये पूछ सकता है। तो 1918 में सबसे पहले हंगरी मूवमेंट जो हुआ था वो गांधी जी ने किया था अहमदाबाद के अंतर्गत, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सीधा चलो। अहोम कौन है, ये कहां पर स्थानांतरित, कहां से स्थानांतरित होकर के कहां पर बसे थे? अहोम जो है बांग्लादेशी है, म्यांमार है, पंजाब है, कोई नहीं। यहाँ पर अक्सर लोग, अक्सर जो बच्चे फंस जाते हैं बांग्लादेश भर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बी, म्यांमार इज द राइट आंसर। म्यांमार से आकर के वो सीधा ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत बस चुके थे, मैंने लिख भी रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आखेट क्या, आखेट का अर्थ क्या है? शिकार करना, बिल्कुल सिंपल है। हंटिंग, हंटिंग इंग्लिश वाला बच्चा तो कर देगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल में बनाई जाती थी? इंपोर्टेंट है, पीपल, नीम, भुज, ताड़। भुज और ताड़ में फंस जाओगे आप, लेकिन ताड़ इज द राइट आंसर यहाँ पर, इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? कृषि का जो आरंभ हुआ था सबसे पहले, मतलब कृषि कितने वर्ष पहले हो गई थी? 8000 वर्ष पूर्व, 4700, 2500, 2000। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरदर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर जौ और गेहूं की खेती हुई थी, ये आपको पता होनी चाहिए। मैंने मैप भी दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के पूरे पूरे, मतलब क्या कहेंगे, पूर्व पश्चिम, यहाँ पर देखो पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर यहाँ पर, तो उत्तर और पूर्व में भारत, पश्चिम में सम्मिलित किरदार और सुलेमान की पहाड़ियां मैंने लिखा हुआ है आगे, ये प्रॉपर तरीके से समझाया भी हुआ है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, कम समय में आपको ज्यादा जानकारी, ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की, ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे? इंपोर्टेंट है, ब्रजभूमि में, सिंपल है, मैंने बताया था, इसको गर्तवास भी कहा जाता है, ठीक है। गड्ढे के अंदर घर बनाने लिए वहां पर अधिक मात्रा में ठंड पड़ती थी, इसके बचने के लिए वे ब्रजभूमि, जो कि कश्मीर में पाया जाता है। ब्रजभूमि कहाँ पर है? कश्मीर में। इंपोर्टेंट है ये सभी चीजें जो मैं बताते जा रहा हूँ, नोट कर लेना या फिर दोबारा रिविजन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कांस्तकार, मतलब किसान का चाबुक किसने लिखी है? केशव चंद्र सेन ने, हेनरी ड्रोजी ने, पंडित रामाबाई ने, या फिर ज्योतिराव फूले? तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है। इंपोर्टेंट है, दलितों के लिए, नीची जाति के लिए, जो लोग थे दलित, उनकी आवाज, उनके मूवमेंट को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने ये किताब भी लिखी हुई है, और किसानों के ऊपर भी इन्होंने किताब प्रॉपर तरीके से लिखी हुई है, ठीक है मेरे भाई। कुल मिलाकर बताऊं कि ये दलितों की भाषा बनी थे, दलितों के लीडर बने थे, और ये बहुत ही अच्छा काम किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देहली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लो, देहली एक कुआं और जहां पना क्या है? क्या चीजें हैं? दिल्ली सुल्तान द्वारा ली गई उपाधियां हैं, या फिर कोई नहरें हैं, या फिर शहर है, या फिर अधिकार के पदनाम है? तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित शहर है देहली और कुआ जापना, दोनों दिल्ली में स्थित है। अब आपको मैं बताना है इन कमेंट में कि दोनों किस किसने बनाए थे, इनका निर्माण शहरों का किसने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी के लघु पृथ्वी रूप को क्या जाता है? किसी जो बहुत बड़ी पृथ्वी है हमारी, तो इसको सबसे छोटे रूप में किसमें डिनोट किया जाता है? ठीक है, ग्लोब में, मानचित्र में, गोला, अक्ष। अक्सर बहुत से मानचित्र भर जाते हैं, ये गलत है। ग्लोब में आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, ये देख सकते हो, ग्लोब में घुमा करके कहीं भी किसी प्रकार से जानकारी ले सकते हो ग्लोब के अंतर्गत। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लद्दाख के रास्ते कौन सा धर्म चीन पहुंचा? हिंदू पहुंचा, बौद्ध पहुंचा, सारसी, फारसी या ईसाई? बौद्ध बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा, सभी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन यहां पर जो गौर दे रहा वो देख लो। लद्दाख रास्ते, लद्दाख के रास्ते जाता था चीन की तरफ, तो धर्म कौन सा पहुंचा वहां पर? बुद्ध, बौद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम सभी लोगों की एक छवि बांध देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? हम किसी को छवि बांध लेते अपने मन में, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? रूढ़िवादी धारणा। सिंपल है, मैंने इसको समझाया हुआ है, लिख भी रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव किस जाति से संबंध रखते थे? महार जाति से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। लोगों के सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार बना रहता था? हड़ताल से, या आप जैसे कि सरकार पर नियंत्रण बनाना चाहते हो किस प्रकार से बना रहना चाहिए? हड़ताल करके बनाओगे उन पर, या नियमित चुनाव से बनाओगे, या प्रदर्शन करके, कानून? तो कानून इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, सी। मैंने क्यों, कब, कैसे, ये सभी चीजें समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2011 के अनुसार, अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, 15% आंकड़े पूछे गए, 17.5%, 20%, 22.5%। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है, 17.5%। ठीक है, ये देखो मैंने देख रखा, सबसे ज्यादा कहां पर है? चीन। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अभयारण्य है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई राज्यों में सम्मिलित है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, लेकिन हरियाणा में नहीं है, मैंने समझा भी रखा प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हो मैप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किसने किया था इनमें से? ऑस्कर लुइस द्वारा, गुन्नार, या फिर आशीष बोस द्वारा, या अमर्त्य सेन? तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है, ऑस्कर लुइस द्वारा। इसको गरीबी की संस्कृति, कल्चर पॉवर्टी को मतलब प्रस्तुत किया गया था, प्रेजेंट किया गया था इनके द्वारा, जो आइडिया, जो विचार थे, जो करने वाले लुईस साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, निम्नलिखित में से एक सही सुमेल चुनना है इनमें से। नागल बांध कहां पर है? सतलुज बिल्कुल, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा बिल्कुल, नागार्जुन, गोदावरी गलत है, यहाँ पर कृष्णा आ जाएगा। हीराकुंड बांध, महानदी बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ सुमेलित नहीं था तो वह सी। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता आपके सामने है, और मैंने आपको दिखा रखा यहाँ पर सभी के सभी मैंने ले रखे, नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी, जो कि यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध, गोदावरी नदी, तो यही गलत है और सभी के सभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, व्यक्तिगत इंडिविजुअल, लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? ये रिट पांचों की पांचों रिट मैंने आपको बता रखी है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, या प्रतिषेध है, तो हाँ बस कॉर्पस जिसको कहा जाता है वही है। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट, सी इज द राइट आंसर, सभी किसी मैंने समझा रखे हैं, जैसे कि आपके सामने लिख भी रखा है, आप प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पर फिलहाल जो कंसंट्रेट मैं चाहता हूं आपसे वो क्वेश्चनों पर लगाओ, मैं क्या करवा रहा हूँ, कहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371J के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? नागालैंड, हैदराबाद, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, या लद्दाख? आपको पता होगी 370 धारा, जम्मू कश्मीर, सब पता होगी, लेकिन 371J किसको लेकर है, किस राज्य, कौन कौन से राज्यों को लेकर के, तो वो है हैदराबाद और कर्नाटक। मैंने सभी के सभी राज्य प्रॉपर तरीके से बता रखे हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो 371J जो है हैदराबाद कर्नाटक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने समझाया हुआ है, 12 इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, भारत में केंद्रीय सरकार के स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि आज के समय में क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय, तो ये का गठन कब किया गया था इसका? तो 1985, 90, 2004, 2009। सिंपल है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है, 1985 में आपको बताना है कौन उस समय पीएम थे, प्रधानमंत्री थे उस समय तत्कालीन। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह लो, जो आज के समय में इसका नाम है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? ये आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट है आंकड़े, 545, 250, कोई तो 250 करके आ जाएगा चुप्पी। ठीक है, तो 798, 788 अप्रोक्स में से कोई नहीं, तो यहाँ पर ई इज द राइट आंसर हो जाता, मैं बताता चलूंगा, 780 होते हैं टोटल, और जो अभी फिलहाल जो है
हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? दमन और द्वीप, दादर और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार या पांडुचेरी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे कम, ये केंद्र शासित की बात कर रहे हैं और सभी के सभी केंद्र शासित प्रदेश है या यूनियन टेरिटरी है, तो अंडमान और निकोबार सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। मृदा परिच्छेदिका की निम्नलिखित परतों में से किस में ह्यूमस पाया जाता है? मैंने सभी चीजें समझाई हुई हैं। ऊपरी मृदा इज द राइट आंसर, मैंने देवेक का ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा में मिलते हैं। ये सारे की सारी परतें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाई हुई हैं, डिटेल वाइज। ठीक है, आप मेरे पिछले क्वेश्चनों को देख सकते हो, क्वेश्चन में ही मैंने कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं, आप देख सकते हो सभी को। 1930 में कांग्रेस के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की लड़ाई किसने लड़ी थी? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक? सी, यहाँ पर ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर हो जाता है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है, मैंने समझाया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली किस स्थान पर चलाई गई थी? मेरठ, झांसी, बैरकपुर, कानपुर? तो बैरकपुर पर चलाई गई थी। सबसे पहले क्रांति को शुरू करने वाले यही स्वतंत्रता सेनानी थे मंगल पांडे जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। निम्न में से कौन सा युद्ध सबसे अंत में हुआ है? आपको पता होना चाहिए भाई, 1526 में पानीपत हुआ, उसके बाद खानवा 1527 में हुआ, चौसा 1539 में हुआ और तराइन का 1191 में हुआ, आपको पता होगी। तो सबसे अंत में कौन सा हुआ? चौसा का, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये ट्रिक दे रखे है मैंने, बाबर के सभी याद कर सकते हो। निम्नलिखित में भू राजस्व, भूमि के राजस्व के लिए प्रयुक्त होता था कर जो, उसको क्या कहलाते थे? जजिया था, खमसा, खराज है, जकात है। हालांकि सभी अपने आप में कर थे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाता है, जो भूमि कर था वो खराज था, 1/10 भाग के बराबर लिए जाते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंपोर्टेंट समझो, एक मिनट रखें क्लास के अंदर। हाँ चलो, तैमूर ने 14वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत पर आक्रमण किया और इनमें से सत्य ढूंढना है। तैमूर ने खिजर खान को अपने प्रतिनिधि घोषित किया, इनमें से कौन सा? एक ठीक है, दो ठीक है, एक दो ठीक है, या एक में कोई सा भी नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर मैं बता दूं अपने भाई को, ये भी ठीक है। ठीक है, उत्तरार्ध की बात की है, उत्तरार्ध क्या होता है आपको बताइए? 14वीं शताब्दी का मतलब 1300 से 1400 के बीच में। अब उत्तरार्ध क्या होता है? 1350 से 1400, ये उत्तरार्ध हो गया। इससे पहले पूर्वार्ध हो गया, ठीक है, पूर्व उत्तरार्ध हो गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तरार्ध 1350-1400 के बीच में करिया ना अटैक 1398 में, राइट आंसर है, सिंपल है, ये तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, उस समय तुगलक वंश का था, तुगलक वंश कौन था उस समय? आपको मैंने बताया हुआ प्रॉपर तरीके से, मैंने यहाँ भी लिख भी रखा है, जो उस समय आक्रमण जो करा, नासिर उद दीन मोहम्मद शाह तुगलक पर आक्रमण किया था तैमूर ने, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा, इसलिए मैंने बैक करके आपको समझा दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉइंट जो है, तैमूर ने खिजर खान को अपने प्रतिनिधि घोषित किया, जिसने सैयद वंश की स्थापना रखी, वंश की स्थापना करी 1414 में, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों राइट आंसर हो जाते हैं, बहुत सी, 1 और 2 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, इसलिए मैंने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। निम्नलिखित में से कथनों में से सही कथन का चयन करें। एक राज्य में केवल एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, बिल्कुल गलत है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जनता केवल एक प्रतिनिधि को चुनती है, बिल्कुल आपको पता होगा, आपके साथ आपका एक प्रतिनिधि होगा एक जिले के अंतर। दो तो नहीं होंगे, अगर दो होंगे तो भैया वो बता दीजिए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। यहाँ पर बात की गई है कथनों में कि भारतीय संविधान में जो समानता है के प्रावधान में शामिल नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए समानता, समानता किस में? भाग 3 में है। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से 18 तक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, ये आर्टिकल 14 बोलता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, जन्म स्थान आदि आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये 15 बोलता है। यहाँ पर बात करें सभी सी की, सभी व्यक्ति को भारत के किसी भी भाग में घूमने का अधिकार, ये आर्टिकल 19, ये स्वतंत्रता का। ठीक है, ये स्वतंत्र की है ये तो, लेकिन ये अलग हो जाता है। और यहाँ पर अस्पृश्यता की बात हो रही है तो ये आर्टिकल 17 है, तो राइट आंसर है, मतलब कि शामिल नहीं है जो समानता में, इक्वलिटी में, आपको पता होगी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, कोई जल्द जल्दी में कोई गड़बड़ हो जाए तो भाई थोड़ा सा माफ कर दो, कभी चुनाव जीतवा दो मोह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से अभिप्राय है चुनावों के साथ
गठबंधन सरकार कौन सी रहे यार, दो पार्टी मिलकर गठबंधन कर लेना सिंपल है, जैसे कि चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना और दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच में सत्ता साझेदार करना, ए इज द राइट आंसर हो जाता है, यही गठबंधन, बाकी की पढ़ने की जरूरत ही ना आप, ठीक है, तो यहाँ पर ए कर लेना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर कथन सत्य नहीं है, आपको पहले क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना फिर गौर देना ऑप्शन पर। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, बिल्कुल राइट है। राज्यपाल राज्य की प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल प्रमुख वो बोलते हैं इसको, यह राज्य की सरकार के कार्यों को देखरेख करता है, बिल्कुल ठीक है, और यदि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है, ये पावर नहीं है इसके पास, ठीक है, तो यहां पर एस जो सत्य नहीं है वो डी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना संस्कृत भाषा में की, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, ये आपको कथनों पर विचार करना है, यह क्या जयदेव जी ने गीत गोविंद की रचना संस्कृत में की, बिल्कुल राइट है, इस रचना के हर गीत एक विशेष राग और ताल से रचित है, दोनों राइट आंसर हो जाता है मेरी तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने मंगोलों के प्रति आक्रामक रणनीति अपनाई थी, इस पर क्वेश्चन कई उठे थे, मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया होता, यहां पर मैं बता दूं, मंगोलों के प्रति आक्रमण रणनीति अपनाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था, MBT जिसको बोला जाता है, ठीक है मेरे भाई, MBT। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार नरेश नागभट्ट ने कन्नौज के राजा चक्रयुद्ध को पराजित किया, इस बात की जान किस स्रोत में मिलती है, नासिक अभिलेख या फिर ग्वालियर अभिलेख, परिस्थिति एहोल या नागभट्ट प्रतिहार के सिक्के, सिक्के तो सिक्के हैं, यहाँ पर राइट आंसर होता है बी, ग्वालियर परिस्थिति में इसके उल्लेख मिलते हैं, स्रोत मिलते हैं, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था, मगध, वज्जी, अवंती, कौशल, वज्जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था, कई बार बताया मैंने, चोल, चंदेल, अक्षत, दोनों फजा में, राजपूत, चालुक्य, तो चंदेल इज द राइट आंसर हो जाता है। अब आपको बताना है इन कमेंट में कांद्रिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, सिंपल है, ठीक है, आप तुरंत समझ जाओगे, मैंने लिख भी रखा है इसमें। मुगल प्रशासन की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, प्रशासन की बात, ठीक है, तो यहाँ पर बाबरनामा में मिलती है, अकबरनामा में, लीलावती में, तुजुक ए जहांगीरी, तो बाबरना सॉरी अकबरनामा में बी इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, किस सुल्तान के काल में दक्षिण भारत की लक्ष्य करके अभियान शुरू किए थे, दक्षिण भारत बोला तो चलो ये भारत है, ठीक है, दक्षिण की तरफ जो युद्ध करने वाला, इनमें गियासुद्दीन बलबन ने करे, अलाउद्दीन खिलजी ने करे, MBT ने, बहलोल लोधी ने, तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है, वही है वारंगल का युद्ध, देवनागरी का युद्ध, मदुरई के युद्ध, ये सभी किसने किए, अलाउद्दीन खिलजी ने, आपको डेट वाइज भी पूछ सकता है, ये सभी चीजें मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है, एकतंत्र, गलत है, राजतंत्र, गलत है, लोकतंत्र इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, जैसे कि अपना डेमोक्रेटिक इंडिया है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, उसी को ही प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बस ये पढ़ लेना, सुल्तान फारसी भाषा में ली गई शब्द या जिसका अर्थ होता है शासक, क्या है, ठीक है, महमूद गजनवी का संबंध अफगानिस्तान से है, पहले एलिमिनेट को मतलब उनको कट्टिच करो जो गलत है, तो ये तो राइट आंसर हो गया, उसका शासनकाल 997 AD 1030 AD तक, बिल्कुल राइट है, उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण गुजरात को सामना, तो ये राइट है, लेकिन सुल्तान जो फारसी में है ये अरबी है, ठीक है मेरे भाई, ये अरबी भाषा का शब्द है, ये आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर गलत हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इनमें से सुमेलित सही सुमेलित करना है, पांड्या, काबरपट्टनम है, चालुक्य, कांचीपुरम है, राष्ट्रकूट, प्रतिष्ठान है, चोल, तोल, चोल इज द राइट आंसर, तंजोर, ये मैंने प्रॉपर तरीके से समझाए हुए हैं, ठीक है, ये आप प्रॉपर तरीके से राजवंश संस्थापन की राजधानी सभी दे रखे हैं, कर लेना यहाँ पर, प्रमुख राजवंश संस्थापक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल और कश्मीर में स्थित है, ये आपको पता होनी चाहिए, मेहरगढ़ कहाँ पर है, राजस्थान, बुर्जरोम अभी करवाया कश्मीर में, गुफकराल ये भी कश्मीर के अंतर्गत है तो श्रीनगर पर, लेकिन अभी फिलहाल कश्मीर की बात हो रही है, तो यहाँ पर दोनों राइट हो जाता है, दो और तीन, दौर तो इस दिन कौन सा है, बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, ईसा मसीहा के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है, सेंट थॉमस को दिया जाता है, मैंने समझाया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले कहां पर आए, कब आए, क्यों आए, किस लिए, कैसे कैसे इन्होंने अपने शुरुआत करी भारत के अंतर्गत अपने धर्म को फैलाने की, ठीक है। दी गई ए और बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए, इसमें ओजोन गैस प्राप्त होती है, बिल्कुल, ये मतलब पहचान करनी है कौन से मंडल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, यह बादलों का मौसम संबंधी घटनाओं में लगभग मुक्त होती है,
यहां पर मुक्त होती है, ये फंसा देगा नहीं तो। सोम मंडल में गलत है, समता मंडल इज द राइट आंसर हो जाता है। मैंने ये देखो प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझाया हुआ, सभी चीजें एक एक मंडल को, ठीक है, सभी सोम मंडल हो, समता मंडल हो, मध्य मंडल हो, आयन मंडल हो, ब्रह्म मंडल, सभी के सभी मंडल कौन क्या काम काम करता है, सभी चीजें मैंने समझाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो समझे। तो आज की मेरी मैराथन के अंतर्गत जो कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आया हूं, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीहा, पैगंबर मोहम्मद, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर? पैगंबर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। आप सभी को इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास में मैराथन का मतलब ये नहीं है, मैराथन है क्वेश्चनों की, ठीक है। कम समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आज के क्लास के अंतर्गत, आज के सेशन में अगर मेरा थोड़ा सा भी आपको क्लास में इंटरेस्ट है, आपको अच्छे से मन या समझने में कंसेप्ट क्लियर करते हैं, मैराथन के अंदर ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन समझाने की कोशिश, जितने मैंने किए जो भी इंपॉर्टेंट थे समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ में आया तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और सभी भाई को बता दो, बिल्कुल मुफ्त है। बहुत से तो क्लास करवा दे पीडीएफ ना ले, यहाँ तो क्लास करवाई और तुरंत पीडीएफ ले जाओ, कोई दिक्कत ना कैसी भी, ठीक है। तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।